इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया धीरा। ये जानते हैं स्पेशल रिपोर्ट के बारे में। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महिलाओं को साधने के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार की सुबह सुबह इस घोषणा पत्र का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की मेरी प्रिय बहनों, आपका हर दिन संघर्षों से भरा है। कांग्रेस पार्टी ने आपको समझते हुए आपके लिए अलग से घोषणा पत्र तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी देगी, सालाना भरे हुए 3 सिलेंडर भी मुफ्त में दिए जाएंगे। प्रदेश की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त होगी। इसके साथ ही आशा और आंगनबाड़ी महिलाओं को प्रतिमाह 10,000 रुपए मानदेय देने का वादा भी किया गया है। नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार कहा गया है कि 40% पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही 1,000 रुपए प्रतिमाह वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन देने का वादा किया गया है और उत्तर प्रदेश की धरती की वीरांगनाओं के नाम पर प्रदेश भर में 75 दक्षता विद्यालय खोले जाने का भी ऐलान किया है। इससे पहले प्रियंका गांधी गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली के दौरान योगी सरकार पर जमकर बरसी थी। प्रियंका गांधी ने कहा था कि योगी सरकार जनता पर जमकर आग उगल रही है। निषादों के बारे में बोलते हुए प्रियंका ने कहा था कि मैं कुछ महीने पहले प्रयागराज के बसवार गांव गई थी, जहां पुलिस ने निषादों की नाव को जला दिया था। नदी पर किसी का अधिकार नहीं है, वो निषादों का है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि भाजपा की राजनीति जनता को पीड़ा देने और जनता पर प्रहार करने की राजनीति है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए प्रगति और परिवर्तन की प्रतिज्ञा की है। 20 लाख सरकारी नौकरियां, किसानों का कर्ज माफ होगा, गेहूं धान का दाम 2500 और गन्ने का दाम 400 रुपए होगा, 10 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। इसके साथ ही आर्थिक बदहाली दूर करने के लिए हर परिवार को 25,000 रुपए आर्थिक मदद देने का भी वादा किया है। महिलाओं को 40% टिकट और लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी देने का कांग्रेस ने वादा किया है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया है। प्रियंका गांधी ने कुछ दिन पहले लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि यूपी में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा बस चलता तो हम 50% टिकट दे देते। उत्तर प्रदेश की सत्ता से 32 सालों से बाहर कांग्रेस को दोबारा से वापसी के लिए प्रियंका गांधी ने महिला वोटरों को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। कांग्रेस 40% टिकट देती है तो सूबे की 403 सीटों में से करीब 160 महिला कैंडिडेट मैदान में होंगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ इंडिया से।